गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेल एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज रेस्पिरेशन। आज हम बेटा सेकेंड पार्ट चैप्टर 10 का डिस्कस करेंगे, जो कि रेस्पिरेशन है। इस चैप्टर में पहले पार्ट में जो मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन को लेकर मैंने क्या क्या आपसे बताया था वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में बताया था द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। कुल मिलाकर बात यह होती है कि अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ फूड करेंगे टू रिलीज एनर्जी, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप ये क्लियर है। रेस्पिरेशन में कभी भी ब्रेकडाउन ही होता है फूड का, चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए हमने दो अलग अलग भागों में बांटा था रेस्पिरेशन को, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कही थी मैंने। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहा था मैंने, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी रेस्पिरेशन होगा तो उस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फूड ब्रेकडाउन किस में करता है तो हम कहेंगे ग्लूकोज, CO2 एंड वाटर के रूप में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वहीं पर अगर एनएरोबिक की रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फूड डायरेक्टली ब्रेक्स डाउन इनटू एल्कोहल, डायरेक्टली किसके रूप में, एल्कोहल के रूप में। ठीक है, अब यहां पर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करता है, तो हम बेस्ट एग्जांपल लेंगे ईस्ट का। ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्या होता है कि फूड डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है एल्कोहल के रूप में। इसीलिए हम कहते भी हैं कि ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि क्या होता है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा कॉमन है, लगभग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यही होता है। अब देखो बेटा, हम जो ब्रीथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, हम जो रेस्पायर करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं एक बार। देखो बेटा, हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे चेस्ट कैविटी, दूसरा डायफ्राम, तीसरा विंड पाइप, चौथा नोस्ट्रिल्स। ये सीरियल वाइज नहीं है, ये कोई भी पार्ट मैंने वैसे ही लिखा है जिनकी जरूरत होती है या जिनके थ्रू रेस्पिरेशन कैरी ऑन होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद
पांचवा रिब्स। देखो होता क्या है बेटा कि जब भी हम सांस लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले विंड जो है या एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है नोस्ट्रिल में, ठीक है। नोस्ट्रिल से एक पाइप कनेक्टेड होता है कहां पर, लंग्स के पास। अब यहां पर, यहां से नोस्ट्रिल में घुसा और घुसने के बाद एयर जब यहां पर मान लो जैसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे बोन्स रहते हैं इस तरह से जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, वो सर्कल करके रखता है और इस बीच में ये लंग्स होते हैं। अब यहां पर ये जो एयर यहां तक पहुंचेगा वो किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या है, ये है चेस्ट कैविटी, ठीक है, यहां लंग्स, और ये जो मस्कुलर पार्ट है ना, ये बेस जो है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। बहुत आसान है इसको समझना। देखो पहले नोस्ट्रिल से एयर एंटर करेगा, एयर विंड पाइप के थ्रू कहां पहुंचेगा, लंग्स तक। लंग्स कहां मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी कहां है, तो ये रिब्स के बीच में होता है। रिब एक 12 हड्डियों का एक केज होता है, एक पिंजरा सा होता है, उसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उस हड्डियों के पिंजरे के नीचे जो बेस फाउंडेशन होता है, मस्कुलर मसल्स का जो बेस फॉर्मेशन होता है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। और ये प्रोसेस है हमारे ब्रीदिंग का। तो हम किसके सहारे ब्रीद करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि जनरली लंग्स इन्वॉल्व है, विंड पाइप इन्वॉल्व है और नोस्ट्रिल इन्वॉल्व है। एक और बात ध्यान रखनी है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नाम की चीज होती है, इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ब्रेथ इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है कि सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। जब भी हम इनहेलेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, इनहेलेशन में इनहेल होता है। इनहेल का मतलब क्या है, टू टेक इनसाइड, टू टेक एयर, मतलब यहां पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इनसाइड, ठीक है, अंदर लेना एयर को क्या क्या लाता है, इनहेल करना। एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन के बारे में हम क्या कहेंगे, टू गेट रीड ऑफ एयर या टू रिलीज एयर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। तो यहां से दो बातें समझ में आई हमें, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और अंदर लेते समय हम क्या अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। उसी तरह एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, सांस को बाहर छोड़ना, और सांस को बाहर हम किस रूप में छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यहां एक और बात ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब केज एक्सपेंस, मतलब ये कि जैसे ही हम सांस लेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन है ये ऊपर की ओर एक्सपेंड करता है, फैलता है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन द क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान द बॉडी या द रिब केज एक्सपेंड्स, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन सांस छोड़ते समय द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सपेंड करता है रिब, एक्सहेलेशन में क्या होता है, द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है।
अगर सांस हम लेंगे तो हमारा जो ये पोर्शन है, ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, वो एक्सपेंड करता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी के फंक्शंस क्लियर हैं। डायफ्राम बेस फाउंडेशन है, हमें पता है विंड पाइप के थ्रू एयर अंदर जाता है। रिब्स, ये एक एक्सटर्नल लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। उसके बाद लंग्स क्या है, वो ऑर्गन जो सांस लेने में हमारी मदद करता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये तो ह्यूमन बीइंग में सांस लेने की प्रक्रिया है, या सांस जो लेने का तरीका है ये ह्यूमन बीइंग का है। बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सिमिलर है किसके जैसा, तो हमारा क्या आंसर होगा, ह्यूमन बीइंग के जैसा। मीन्स व्हाट, कि एनिमल्स लाइक काउ, गोट, टाइगर ईटीसी हैव अ सिमिलर पैटर्न ऑफ या सिमिलर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें सिमिलर प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। किनमें? काउ, गोट, टाइगर, लायन, जो भी हैं इन तरह के एनिमल्स में सिमिलर प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। अब क्या है बेटा, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जब हम दौड़ते हैं तो हम तेज सांस क्यों लेने लग जाते हैं, नॉर्मल से तेज सांस लेते हैं। व्हेन एवर वी रन वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर, व्हाई? क्योंकि नॉर्मल जब आप काम कर रहे होते हैं वो, तो बॉडी नॉर्मल तरीके से क्या है कि एनर्जी रिलीज कर रही होती है। जब भी हम काम करते हैं तो बॉडी एनर्जी रिलीज करती है नॉर्मल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम दौड़ेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा काम हो गया, लेकिन बॉडी जो है वो अगर ज़रूरत के हिसाब से ही एनर्जी देगी तो आप दौड़ नहीं पाओगे, थक जाओगे। इसीलिए क्या होता है कि एनर्जी जल्दी जल्दी रिलीज करना होता है ताकि आप फास्टली काम कर सको। अगर किसी चीज़ को तेज करना है, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल को अगर हम तेज ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है उस समय, नहीं? इसी तरह जब हम मान लो कोई फास्ट काम कर रहे हैं, कोई काम जल्दी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ताकत भी ज़्यादा चाहिए। और ताकत ज़्यादा जब कब मिलेगा हमें, जब बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज करके हमें देगा। तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कब रिलीज करेगा एनर्जी, जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुँचेगा। और ऑक्सीजन जल्दी पहुँचने के लिए हमें सांस क्या करना पड़ेगा, तेज लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेनी अदर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ रेस्पिरेशन। मेनी अदर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज टू रेस्पायर जैसे इन इंसेक्ट्स, जैसे हम कॉकरोच की बात कर लें, तो दे ब्रीथ थ्रू देयर रेस्पिरेटरीज, दे ब्रीथ थ्रू ट्रेचिया या रेस्पिरेटरीज, या ठीक है। अब ये कैसे ब्रीथ करते हैं इसके थ्रू, बहुत आसान है। ये ट्रेचिया क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स की बात कर रहा हूं मैं, इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल रिलीजिंग पाइप्स हैं, उन सब का एक अलग नेटवर्क होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसी को हम ट्रेचिया कहते हैं। और इसी के थ्रू ये ब्रीथ करता है। और स्पाइरेकल्स क्या है, स्मॉल होल्स इन द बॉडी। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो बॉडी के ऊपरी सतह पर होल्स होते हैं,
जिनके थ्रू वो क्या करता है, सांस लेता है। क्लियर हो गया? स्पाइरेकल का मतलब क्या है? स्मॉल होल्स इन द बॉडी। नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ लिया, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, स्मॉल होल्स इन द बॉडी स्पाइरेकल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म में कैसे होता है बेटा? अर्थवॉर्म का बहुत आसान है, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, थ्रू देयर स्किन। चमड़े की मदद से वो सांस लेते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर हम अर्थवॉर्म के बाद बात करें तो फिश की बात करते हैं। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, हम जानते हैं इसके बारे में। और फिश के बारे में कहते हैं क्या कि फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश किससे ब्रीथ करते हैं तो हम कहेंगे क्या कि दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। गिल्स का मतलब गलफड़ है, ये इसकी बात करते हैं, और इसके थ्रू जो है वो फिश सांस लेता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब ये कहोगे कि सर पानी में वो सांस कैसे ले लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो मैं ये कहूँगा बेटा कि पानी में ऑक्सीजन इज ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर इन वाटर एंड सो एनिमल्स लाइक फिश एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम देयर सॉरी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड टेक ब्रेथ। एंड टेक ब्रेथ। तो हमने ये देखा ठीक है, ये जो है ये ब्रीथ कैसे लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इनके ब्रीथ लेने का तरीका कैसा है बेटा? तो हमारा आंसर है कि भाई देखिए ये ऐसा है कि प्लांट्स सॉरी वाटर में ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, जिसकी मदद से वो एब्जॉर्ब करके उसी ऑक्सीजन को लेकर अपना सांस लेते हैं और गिल्स के थ्रू लेते हैं। आई होप क्लियर हो गए। तो बेटा इस चैप्टर में बस इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।